अस्सलाम वालेकुम, मैं रमीज़ बखदूमी। इलेक्शन कारवान के चौथे एपिसोड में आपके साथ बज़ बाइट्स के साथ हम इलेक्शन कारवान का चौथा एपिसोड कश्मीर के एमिनेंट फेस हज़रतुल कॉन्स्टिट्यूएंसी के टॉवरिंग लीडर सलमान अली सागर साहब से कर रहे हैं, जो कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रोमिनेंट उम्मीदवारों में से हैं। सर, आज आपने ये कहा है कि 370 आपके एजेंडा में मेन पॉइंट रहेगा, तो कितनी उम्मीद है आपको इसके रिलेटेड? हमें लड़ जाए इसके लिए और हम तैयार हैं। हम लोग उससे बोल रहे हैं कि बिजली, सड़क, पानी ये चलता रहेगा, हम उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। लेकिन पहले हम असेंबली में ये चीज़ लाएंगे कि हमें जो हमारे साथ 5 अगस्त 2019 को हो गया वो हमें नामंजूर है, और उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ख़ासतौर पर बीजेपी सरकार को, इस चीज़ पे ज़रूर आड़े हाथ लेंगे और यकीन मानते हैं कि हम इस पे जब मैसिव मैंडेट होगा, मैसिव मैंडेट के साथ हम जब बात करेंगे तो उसे बहुत वजन होगा और हम कहीं ना किसी किसी नतीजे पहुंच पाएंगे। सर, बहुत सारे कैंडिडेट कॉन्स्टिट्यूएंसी से उठ रहे हैं, पीडीपी के भी, बीजेपी के भी, और लग रहा है इंडिपेंडेंट भी, कुछ लोग कह रहे हैं प्रॉक्सीज भी उठ रहे हैं, तो एनसी अपनी वेव मेंटेन कर पाएगा? जमहूरियत में हर एक का हक बनता है और आजकल बहुत हरबे इस्तेमाल होते हैं। हमारे दुश्मन पीडीपी, हमारे उनसे राइवलरी है, तो उन्होंने वैसे भी हम कोई खासा काम किया नहीं। हज़रतबल सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, आज उनके साथ कुछ और भी अगर लोग चाहते हैं कोई मिलना उनके साथ, जिनको एजेंसीज बैक करती है, जिनको बहुत से लोग बैक करते हैं, लेकिन लोग बहुत समझदार हैं, लोगों को पता है वोट क्यों करना है। और मुझे पूरा यकीन है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी अक्सरियत मिलेगी और हम उन सब चीज़ों पर बात करेंगे जो लोग चाहते हैं, जो लोगों के एस्पिरेशंस है, जो लोगों की उम्मीद है इंशाल्लाह। हज़रतबल के लिए क्या एजेंडा ऑफ डेवलपमेंट है आपका? स्पेसिफिक एजेंडा होगा हज़रतबल का इंशाल्लाह, लेकिन मैं एक रिवायती सियासतदान की तरफ बात नहीं करना चाहता। मैं इलेक्शन से पहले अपने नौजवानों से वादे नहीं करना चाहता। एक बार जब मैं इलेक्ट हो जाऊंगा तब मैं इनसे बैठ के इंशाल्लाह पहले महीने में 5 साल का प्रोग्राम फाइनलाइज करूंगा। अगर मैं अभी करता हूं तो वो एक रिवायती मैनिफेस्टो बनता है। हम रिवायती मैनिफेस्टो नहीं बनाना चाहते, हम एक परमानेंट और सूटेबल और वायबल मैनिफेस्टो बनाना चाहते हैं। वो तभी पॉसिबल है जब इंशाल्लाह मुझे यहाँ का मैंडेट। वोटर्स का मूड क्या लग रहा है? आप इतनी सारी रैलीज डे बाई डे करते हैं, क्या मूड लग रहा है आप? मुझको यकीन, अब मान लीजिए एक तो होता है एक खुद को तसल्ली देने, लेकिन मुझे पूरा यकीन है जो मैं ओवरऑल सिटी में भी देख रहा हूँ या बाकी में देख रहा हूँ, साउथ कश्मीर में भी, अभी नॉर्थ में स्टार्ट नहीं हो पाया, श्रीनगर में, और ख़ासतौर में हज़रतबल की बात कहूँगा, मैसिव पार्टिसिपेंट होगा। मैं यकीन से कह सकता हूँ जो पार्लियामेंट था अभी इलेक्शन, जो वहाँ परसेंटेज रहा उसको काफ़ी हद तक सरपास करेगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस का विनिंग मार्जिन भी बहुत हाई। कहीं आपको मायूसी तो नहीं है कि एक डिसएम्पावर्ड असेंबली में जाना पड़ेगा? नहीं, हमें उसको एम्पावर्ड बनाना, यहाँ के लोग उसको एम्पावर्ड बनाएंगे एक मैसिव मैंडेट से, वहाँ के एमएलए उसको एम्पावर्ड बनाएंगे एक हैवी वॉइस से, वहाँ के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो एक मिशन से और एक विजडम से उसको एम्पावर्ड असेंबली बनाएंगे, और वहाँ के लोग जब एक लाखों लोगों का, 50 लाख लोगों का मैंडेट उस असेंबली में होगा तो दुनिया की कोई ताकत उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकती, इग्नोर नहीं कर सकती। हमें पूरा यकीन है जम्मू कश्मीर के बाशूर आवाम जो है वो ऐसा मैंडेट देगी जहाँ बीजेपी सरकार को अपने घुटने टेकने पड़ेंगे। मेरा आखिरी सवाल है कि श्रीनगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का किला भी माना जाता है, लेकिन श्रीनगर में लैक ऑफ डेवलपमेंट भी कहीं डिकेट से हुई, इसके बारे में क्या कहेंगे? हम 10 साल से आउट ऑफ पावर है। मैं अभी जिक्र कर रहा था शेर कश्मीर का डेवलपमेंट का विजन और फारूक साहब का डेवलपमेंट का विजन, उसमें कोई दो राय नहीं है। उमर साहब के टाइम के ऐसे हालात क्रिएट किए गए, उनने भी कोशिश की, मगर 10 साल से गवर्नर रोल बीजेपी का डायरेक्ट रोल है और पीडीपी की सरकार भी रही है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर हम आज नुक्ताचीनी करते हैं तो ये सीधे सियासत लगती है, मगर हमारा एक विजन है, हमने मैनिफेस्टो जो लाया है लोगों के सामने उस पर लोग वोट करेंगे, और 5 साल को ज़्यादा आसानी होता है, अगर हम नहीं कर पाए तो लोग हमें दोबारा उस चीज़ की सजा दे सकते हैं। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि इस मैंडेट के साथ, इस एस्पिरेशन के साथ उमर साहब निकले इसलिए हैं कि वो लोगों की प्रॉमिस जो फुलफिल कर सकें। शुक्रिया सर। ये थे सलमान सागर साहब, जिन्होंने कहा कि वो 370 के साथ साथ श्रीनगर की डेवलपमेंट भी देखेंगे।